MCU का फेस 4 खत्म होने को आया है, तो चलो फेस 4 की मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं कि भाई कौन सी मूवी ने कितना कमाया। फेस 4 में अभी तक 6 मूवीज आ चुकी हैं और नंबर 6 पे आती है ब्लैक विडो, $379 मिलियन। ये फेस 4 की पहली मूवी थी और ये थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी रिलीज हुई थी और इसीलिए इसके बॉक्स ऑफिस पर भी इसका असर पड़ा। नंबर 5, इटर्नल। अब देखो इटर्नल्स के साथ मुझे एक बड़ी अजीब चीज लगी, मतलब इतनी बड़ी कास्टिंग होने के बावजूद भी मूवी ने सिर्फ $402 मिलियन का कलेक्शन दिया था और डोमेस्टिक रन में तो ये MCU हिस्ट्री सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी रही थी। नंबर 4, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग, $432 मिलियन। नंबर 3, थॉर लव एंड थंडर। देखो लव एंड थंडर अभी भी थिएटर्स में चल रही है, अभी तक इसका कलेक्शन $670 मिलियन का हुआ है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, $954 मिलियन। अब जितनी इसकी हाइक थी उस हिसाब से तो इसे बिलियन पार करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाई। और नंबर 1 की मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम और ये MCU के फेस 4 की ही नहीं पोस्ट पैंडेमिक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, $1.9 बिलियन।